खेत पे जाता नहीं, घर पे रहता नहीं, अब करता क्या है तू सारा दिन संकेत? अरे अम्मा तू फिर शुरू हो गई, काम ही तो करता हो और क्या। अच्छा जरा मैं भी तो सुनू क्या काम करता है। अकेला देवदत्त खपे है खेत में, तू तो दिन भर बस आवारा गर्दी करता है। और तू क्या 16-18 साल का छोकरा है मटर गश्ती करने को? कितनी बार बोला है अम्मा, खाने की थाली पे बैठकर दिमाग मत चाटा कर, खाना हजम नहीं होता हमें। क्यों री, कहाँ लेके जा रही है ये खाना? अम्मा एक रोटी और जरा सा साग ही तो है। बड़ी दया आ रही है, वो 7 दिनों से भूखी है। तुझे भी रहना है उसके संग? बड़ी आई दयावान कहीं की, अरे तेरा भी खाना पानी बंद कर दूंगी ना तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। चला खाना। बाऊजी बड़े दिन हुए उज्वला के ससुराल गए हुए, होली भी आ रही है, एक टोकरी और ले लें। हाँ हाँ ले लो, 2 बरस बाद जा रहे उज्वला के घर, और ले जाओ। सुन आलू की एक बोरी आधी आधी कर दे, आधी बोरी साथ ही ले जाएंगे। 2 साल पहले तेरी शादी में आई थी उज्वला, उसके बाद शक्ल नहीं देखी उसकी। सुनिए समदन जी से बात करके एक आध महीने के लिए बुला लो उसको यहाँ। ठीक है बात करके देखता हूँ। ये थोड़ा बहुत आपके लिए लाया है समधन जी, इस बार भगवान की कृपा रही, फसल अच्छी आई। बड़ा अच्छा किया जी, बड़ी मेहरबानी की। समधन जी बिटिया नजर नहीं आ रही, काम में लगी होगी कहीं। बुला दीजिए उसे, अब आए हैं तो मिलकर जाएंगे। ससुर जी ये सब्जियां फल ये सब तो ठीक है, पर अब इतने से काम नहीं चलेगा। मैं समझा नहीं। 3 बरस हो गए मेरे और उज्वला के ब्याह को, जब भी आप आते हैं तब ये सब्जी और फल लेके चले आते हैं, भिखारी समझ के रखा है क्या आपने हमें? अरे कैसी बातें कर रहे संकेत जी आप, कभी पूछा है आपने कि आपके दामाद को क्या चाहिए? बोलिए ना क्या चाहिए आपको। हमारे खेती के लिए एक ट्रैक्टर, एक फटपटी और एक कलर टीवी। जमाना कितना बदल गया है, अपनी बेटी को इतना भी नहीं दोगे? ये प्याज और ये तरकारी तो हमारे खेत में भी उगता है, जो मांगा है वो दे दो और फिर तभी आना इस घर में। उससे पहले बेटी की सूरत देखना भी नसीब नहीं होगा। जय राम जी की। क्यों चले गए बाऊजी बिना मुझे मिले? क्यों नहीं कहा मैं नहीं जाऊंगा बिना अपनी बेटी को देखे? क्यों उनकी मांगों का बोझ मेरे आंसुओं से ज्यादा भारी हो गया? हक से मुझे डांटा, हक से लाड किया, क्यों आज मान लिया कि आपका मुझ पर और मेरा आप पर कोई हक नहीं है? इस बार एक बाप में इतनी ताकत नहीं थी
कि वो अपनी बेटी के ससुराल वालों की मांगों को पूरा कर सके। 3 साल पहले झुका था वो ऐसी किसी मांग के सामने। ₹1,00,000 नकद गणेश जी। 1,00,000? ये तो बहुत ज्यादा है हमारे लिए। क्या कमी है गणेश जी आपको? अच्छी खेती बाड़ी है और एक ही बेटी है, 1,00,000 तो बनता ही है। सुषमा जी, 2 बखत की रोटी और सर पे छत, इतना ही है भगवान की कृपा से। अब इतना रुपया हम कहाँ से लाएंगे? और हमारा सोचिए, पति फिसल कर पानी में गिर गया, बह गया, आज तक पता नहीं कैसे पाला है इन लड़कों को। सोचिए, इतनी बहस नहीं करते गणेश जी। और हमारे संकेत के लिए तो कोई भी परिवार 1,00,000 रुपया दे देगा बिना सोचे। आप तो आप कह तो ठीक रही हैं, बस हमें थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, फिर देखते हैं क्या इंतजाम हो सकता है। ले लो वक्त, लेकिन हमें कोई 1,50,000 रुपया देने वाला मिल गया तो हमारी गलती नहीं होगी। रिश्ता अच्छा है, लड़का भी अच्छा है, बिटिया खुश रहेगी, कैसे भी करके पैसे दे दो। तो क्या बोलता है पारस? भाऊजी, रकम तो बहुत बड़ी है, बैंक से कर्जा लेना पड़ेगा, ऊपर से ब्याह का खर्चा अलग। भाऊजी, आप तो जानते ही हैं, सारे गांव वालों को पता चल चुका है कि कस्तूरी गांव से लड़के वाले आए थे उज्ज्वला को देखने के लिए। अब अगर 1,00,000 रुपये के चक्कर में बात नहीं बनी तो पूरे गाँव में बदनामी हो जाएगी। मैं तो कहता हूं कर्जा ले लेते हैं। हमें पूरा विश्वास था आप पर, अपनी बिटिया के लिए इतना कर ही दोगे आप। ओम मग्नाय स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम वरुणाय स्वाहा। दीदी, दीदी, कुछ खाना दे दो, बहुत दिन से कुछ नहीं खाया, मैं हाथ जोड़ती हूँ, खाना दे दो, कुछ खाना दे दो। सुनिए, कुछ बात करनी थी। बोल। गोडाउन वाले कमरे से बहुत बास आ रही है। अब घास फूस और अनाज के कमरे से इत्र की खुशबू आएगी क्या? नहीं, मैं उज्ज्वला की बात कर रही हूँ। वो 2 महीने से कमरे में बंद है ना, बाहर भी नहीं निकली। ठीक है, मैं अम्मा जी से बात करता हूँ। कितनी बदबू मार रही है,
जल्दी लेके जा इसे गुसर खाने में। जल्दी खा लेना और सुन, कुछ गिराना मत वरना अम्मा को पता चल जाएगा। उज्वला के लिए ससुराल वालों का यह क्रूर व्यवहार सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसने अपने पिता से ससुराल वालों की मांगे पूरी करवाने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब उसके पिता को भी उसके ससुराल वालों की मांगों के बारे में पता चल चुका था, जिसे पूरा करने की उनकी हैसियत नहीं थी। लेकिन जब संकेत ने उज्वला से शादी की थी, क्या तब उज्वला के परिवार वालों ने उनकी मांगे पूरी नहीं की थी? समधन जी, सबको आना है। जरूर आएंगे, पारस का ब्याह है, सारे आएंगे। तो बड़े धूमधाम से हो रही है। पैसा तो पानी की तरह बहाया है लड़की वालों ने। मालदार है क्या लड़की के मायके वाले? हमसे पूछ रहे, ये तो तुझे पता होना चाहिए था ना। भाई की शादी बड़े ठाट से हुई। क्या अम्मा? कितना पैसा लिया तेरे बाप ने छोरी के मायके वालों से? गहने देखे तेरी भाभी के? सर से पांव तक सोने में लदी थी। कम से कम 5 लाख के तो होंगे। जी, मुझे ये सब कुछ नहीं पता। हमने 1 लाख मांगा तो तेरा बाप कैसे रोने पीटने लग गया, और जब अपने लड़के की बारी आई तो दोनों हाथों से खूब सारा पैसा लपेट लिया। आंखें फटी की फटी रह गई दुल्हन के गहने देख के। सोचो, अगर गहना इतना दिया है तो नगद कितना दिया होगा? क्यों संकेत, कुछ पता चला कितना माल मिला तेरे ससुर को? बहुत मिला है अम्मा, बड़े घर की लड़की हाथ आई है उनके। तू सही कह रही थी, चूना लगा गए 1 लाख रुपए देके। अम्मा भगवान कसम, मेरे बाबूजी के पास इतने पैसे नहीं है। तब नहीं होंगे, भाई की शादी में तो आ गया ना पैसा, तब नहीं दे सके, अब तो दे सकते हैं, है? और ज्यादा कहाँ मांग रहे हो? 1 फटफटी, 1 कलर टीवी और ट्रैक्टर तेरे पति के लिए मांग रहे हो ना? मुझसे ये नहीं हो सकता, मैं बाबूजी से अब और कुछ नहीं मांग सकती।
मेरे बाबूजी के पास कुछ नहीं है, वो इतने अमीर आदमी नहीं है, इतना सब कुछ कहाँ से देंगे वो? आप तो मेरी बात समझने की कोशिश करो। दीदी, आप अम्मा जी को समझाइए ना, आपके देवर जी को भी समझाइए ना। घर में कोई मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं कर रहा। तो मैं क्या करूं, घर में झगड़े लगवाऊं क्या? तू इन सब चीजों में मुझे बीच में मत डाल। बात कर लेना अपने घर वालों से और दिलवा दे उन्हें जो चाहिए, वरना ये लोग क्या करेंगे मुझे नहीं पता। मान नहीं रही है अम्मा, क्या करे? ये घर उसके हिसाब से तो नहीं चलेगा। हमें जो चाहिए वो उसे अपने बाप के घर से लेकर आना ही पड़ेगा। अम्मा, उज्वला पेट से है। ये तो अड़ियल भैंस की तरह बैठी है, ऊपर से पेट से, उसकी अकड़ तोड़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता है, ये मेरा बच्चा है। नहीं चाहिए तेरा बच्चा, किसी को नहीं चाहिए। ये हमारा बच्चा है। जब तक तू अपने बाप से ट्रैक्टर, टीवी और फटपटी ना दिलाए ना, तब तक ना ये बच्चा हमारा और ना तू हमारी। मैं बच्चा नहीं गिरवाऊंगी। तो तू अपने बाप से बात नहीं करेगी, है ना? दिया तो है मेरे बाबूजी ने, 1,00,000 रुपया दिया, वो भी कर्जा लेकर। आप कहाँ से देंगे? मैं बाबूजी से कुछ नहीं मांगूंगी। कुछ नहीं मांगेगी? कुछ नहीं मांगेगी तू? मत मारो मुझे! बच्चों, बच्चों! उज्वला पेट से है, कहीं उसे कुछ हो गया तो? किसी को नहीं चाहिए उसका बच्चा, सो जा चुपचाप। अरे अम्मा, अड़ियल भैंस है वो, नहीं मानेगी। तो ठीक है, जैसा करेगी वैसा भरेगी। किसी भी इंसान के साथ इस तरह का बर्ताव होते देखकर दूसरा कोई भी इंसान सहम जाएगा। उन लोगों को, उन परिवार वालों को, उन पतियों को, पति के उन रिश्तेदारों को जो किसी दूसरे की बेटी को दहेज के लिए इतनी तकलीफ देते हैं, उन्हें क्या कहें हम? जो समझते हैं कि दहेज लेना उनका हक है, जो अपने बेटों का सौदा करते हैं, उन्हें बेचते हैं, ऐसे लोगों को क्या नाम दें हम? उज्वला ने बहुत सहा, लेकिन आखिर उसने फैसला किया कि अब वो और नहीं सहेगी। ये मेरा बच्चा है, इसे मैं कुछ नहीं होने दूंगी। अगर आप सबको लगता है कि मेरे बाबूजी ने जो कुछ भी दिया वो कम है, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इनको काम नहीं करना है, पता नहीं क्या करते रहते हैं दिन भर। इन्हें समझाने के बजाय आप मुझे कह रहे हैं कि मैं अपने बाबूजी से पैसे मांगूं, और जबरदस्ती कर रहे हैं कि मैं अपना बच्चा भी गिरा दूं। मेरे बारे में ऐसी बात करने की हिम्मत करती है तू? तो क्या करूं मैं? आप ही मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं सच बोलूं। आप मेरी बड़ी बहन जैसी है, लेकिन आपको तो अपनी पड़ी है। आपको अम्मा जी की नाराजगी पसंद नहीं है। आज मेरा बच्चा गिराने की साजिश में आप भी इन सबका साथ दे रही है कि आप बची रहे और जेठ जी आप पर दबाव ना डाले कि आप भी आपके मायके से कुछ ले आओ।
आप और जेठ जी तो खुशी हो जाएंगे ना अगर मेरा बच्चा मर गया तो, क्योंकि आपका बच्चा जो नहीं है, अगर मेरा बच्चा हो गया आप लोगों की इज्जत कम हो जाएगी ना घर में। मैं जा रही हूँ आपका घर छोड़ के, अपने बाऊजी के घर। जानती हूँ उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, बहुत बदनामी होगी उनकी अगर बेटी ससुराल से वापस लौटती है तो। चारों तरफ बातें होती है लेकिन कोई बात नहीं, वो समझ जाएंगे। बेटी हूं ना मैं उनकी, मैं जा रही हूं। चली गई मेरे मुंह पे और तू खड़ा खड़ा यहां मेरा मुंह देख रहा है। किसके बाप से सामान ना मिल जाए ये बंद रहेगी गोदाम में, ना किसी से मिलेगी ना कहीं जाएगी। सड़ने दो इसे वहीं। रखो उसे, हफ्ते में एक बार खाना दो, दम निकल जाएगा ना तो अकड़ भी निकल जाएगी।
मुझे बचा लो, मेरे भावजी तक कमर पहुंचा दो, मुझे आगे ले जाए, मैं चली जाऊंगी, वापस कभी नहीं आऊंगी। दीदी मदद करो मेरी, दीदी मेरी मदद करो। मदद करो, मुझ में उठने तक की ताकत नहीं है, मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो। मुझे माफ कर दे उज्वला, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकती। तेरी हालत देखकर पगला गई थी मैं, सोचा दरवाजा खुला छोड़ दूंगी तो तू भाग जाएगी, पर अगर तू भाग गई तो तेरी जगह यहां जो दूसरी औरत होगी वो मैं होंगी। सबको पता चल जाएगा कि मैंने ही तुझे भगाया। मुझे माफ कर दे, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकती। ग्यारह में होली से कुछ दिन पहले उज्वला के पिता और भाई को उसके ससुराल वालों ने वापस भेज दिया, ये कहकर कि वो उज्वला से तभी मिल सकते हैं जब वो उनकी मांगे पूरी करेंगे। मजबूर पिता और भाई वहां से लौट आए। उन्हें पता नहीं था कि उनकी उज्वला क्या कुछ सह रही थी। वो सिर्फ ये समझ रहे थे कि उनकी बेटी के ससुराल वाले उनकी हैसियत से कहीं ज्यादा मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी बेटी के ससुराल वाले अपनी मांगे पूरी ना होने पर किस हद तक गिर जाएंगे। दामाद जी को कैसे समझाए कि खेती बाड़ी में उतनी कमाई कहाँ है, फसल अच्छी आई है पर उतनी भी नहीं कि उन्हें ट्रैक्टर टीवी और मोटरसाइकिल खरीद के दें।
उज्ज्वला बाहर भी ना आई मिलने? नहीं अम्मा, वो खुद बाहर नहीं आई या फिर उसे आने नहीं दिया, कुछ नहीं पता। दो चार दिन जाने दो, बिटिया के ससुराल वाले अभी गुस्से में हैं, अभी मिलने की जितना करो, आखिर जिंदगी तो वहीं गुजारनी है उज्ज्वला को। संकेत जी सच कह रहे हैं, हम लोगों की इतनी हैसियत नहीं है। बेवकूफ समझे हो क्या हमें? सबको मालूम है कितना माल लेके आई है तेरी लुगाई। संकेत जी उसमें मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ उसका है। वो तेरी तू जाने, हमें सिर्फ अपने सामान से मतलब है। देखिए मुझे एक बार उज्ज्वला से मिलने दीजिए, बस एक बार बात करूंगा उससे। देख पहले सब सामान ले आ और उसके बाद मिल लेना उससे। कैसी बातें कर रहे हैं आप, मेरी बहन है वो, हटिए मुझे उससे मिलना है। ज्यादा हाथ पांव चलाने की गलती ना करना, ज्यादा फड़फड़ा है ना तो हड्डी पसली तोड़ दूंगा। और एक बात कान खोल कर सुन ले, वो तेरी बहन थी, अब वो मेरी घरवाली है। निकल यहां से, जब तक सामान लेके नहीं आता ना तब तक अपनी शक्ल मत दिखाना, चल। हर बार वो लोग आते हैं और हम धक्के मार कर उन्हें बाहर निकालते हैं, पर ऐसा कब तक हम उन लोगों को रोक पाएंगे? अगर उज्ज्वला के बारे में गांव वालों ने मुंह खोला तो मुश्किल हो जाएगी। अम्मा कुछ करना पड़ेगा उसका, नहीं तो बवाल खड़ा कर देगी किसी दिन। धुरीपुर में तुम्हारे फूफा रहते हैं, उनसे बात करो, ऐसे में वही काम आएंगे। एक बाप और भाई ने ये क्यों नहीं सोचा कि उन्हें क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है एक बेटी और बहन से? वो ये क्यों नहीं समझ पाए कि इसमें किसी खतरे या किसी जुर्म की दस्तक छुपी हो सकती है? वो गांव जहां ये सब हो रहा था, वो पड़ोसी जो ये सब देख रहे थे, उज्ज्वला की दर्द भरी चीखें सुनते आ रहे थे, उनमें से कोई भी मदद के लिए आगे क्यों नहीं आया? क्यों किसी ने पुलिस को इस घिनौने जुर्म की जानकारी नहीं दी? उज्ज्वला की शादी हुई थी 2008 में और शादी के सिर्फ 3 साल बाद 2011 में वो एक गोदाम के अंधेरे में कैद पड़ी थी, जानवरों से भी बदतर हालत में। वो जीना चाहती थी, आजाद होना चाहती थी, थोड़ी सी सहानुभूति चाहती थी, उम्मीद करती थी कि किसी को तो दया आए, कोई तो आए उसे रिहा करवाने के लिए। कल रात हम आपको दिखाएंगे इस केस का दूसरा और आखिरी भाग।